इनसे मिली। ये है आर्ट साइट से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट टॉपर रूबी राय। घर की लाडली बेटी ने हाजीपुर जिले का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है। रूबी को लगातार फोन पर बधाइयां मिल रही हैं। बिहार में रूबी के नाम की चर्चा है। लोग अपने बच्चों को रूबी की मिसाल दे रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि रूबी कितने घंटे पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, क्या बनना चाहती है। टॉपर रूबी की कामयाबी की कहानी जानने के लिए आज तक की टीम ने भी जब रूबी से मुलाकात की, हमारा पहला सवाल था कि आपके विषय क्या क्या थे। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस एक नया सब्जेक्ट सुन रहे हैं, क्या चीज? पॉलिटिकल। एक टॉपर से ऐसे जवाब की उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी। रूबी को पॉलिटिक्स साइंस में डिस्टिंक्शन मिला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो पॉलिटिक्स साइंस को पॉलिटिकल साइंस कह रही थी। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। सुना आपने, रूबी के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि टॉपर रूबी को ये तक नहीं पता कि इंटर की परीक्षा 6 अंकों की नहीं बल्कि 500 अंकों की होती है, और उसे 500 में से 444 नंबर यानी 89% नंबर मिले हैं। टॉपर रूबी के जवाब सुनकर बिहार बोर्ड की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। होम साइंस में क्या क्या पढ़ी है आप, थोड़ा कुछ बताइए। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक।